हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका कॉन्क्वेस्ट फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर। मैं कैप्टन अजय कुमार आज आप सबके सामने लेकर हाजिर हूँ अलजेब्रा के फार्मूले, जिसे याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। इससे पहले भी मैं ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को लेकर आया था और सीखा था कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को अपनी उंगलियों की मदद से निकाल सकते हैं। अभी तक उस वीडियो को लगभग 550 से ज़्यादा लोगों ने देखा और पसंद किया। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी उस वीडियो को देखिए। आप यदि पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया कर उस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा मनोबल बढ़ाएं, ताकि आगे भी मैं इस प्रकार की वीडियो आप सबके लिए लेकर आता रहूं। यूं तो ये चैनल फिजिक्स के लिए है, लेकिन फिजिक्स को जानने के लिए मैथमेटिक्स का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। गणित भौतिकी की भाषा है। तो आइए चलते हैं अलजेब्रा के धांसू टेक्निक के साथ इस वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, हम अलजेब्रा के कुछ फार्मूले से पहले से ही अवगत हैं, जिसको कि हम लोग याद रखे हैं, और यदि याद नहीं है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों से नहीं बनता। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक इसी प्रकार a प्लस बी का होल क्यू aq प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस bq, ठीक है। ऐसे ही अगर हम a प्लस बी का होल 4 लिखे तो ये a4 प्लस 4aq b प्लस 6a² b² प्लस 4ab³ प्लस b⁴। ऐसे ही a प्लस बी का होल 5 इक्वल टू a⁵ प्लस 5a⁴b प्लस 10aq⁴ प्लस 10a²bq प्लस 5ab⁴ प्लस b⁵। ठीक है, ऐसे ही a प्लस बी का होल 6 इक्वल टू a⁶ प्लस 6a⁵b प्लस 15a⁴b² प्लस 20aq⁴ प्लस 15a²b⁴ प्लस 6ab⁵ प्लस b⁶। ऐसे ही हम लोग a प्लस b⁷, a प्लस b⁸, a प्लस b⁹, एंड सो ऑन। और यही नहीं, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल क्यू, a माइनस बी होल 4 एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग जनरली होता क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये हम लोग याद कर लेते हैं, और हो सकता है a प्लस बी होल क्यू भी हमें याद हो, लेकिन a प्लस बी का होल 4, होल 5, 6, 7 एंड सो ऑन, या a माइनस बी का ये कैसे लिखते हैं। तो इसको लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके पैटर्न को समझना होगा। क्या पैटर्न है? यहाँ अगर स्क्वायर है तो a पर स्क्वायर होता है, और यहाँ भी 2 है। यहाँ अगर 3 है तो a पर भी 3 और यहाँ भी 3, ये 3 तो ये भी 3। यहाँ अगर 4 है तो ये 4 और यहाँ भी 4, यहाँ 5 तो ये 5 और ये भी 5, ये 6 तो यहाँ 6। इसी तरीके से आगे बढ़ता है। उसके अलावा आप देखिए, a पर पावर 6 है, b पे पावर कितना है? 0। उसके बाद a पे पावर 1 घट गया, a पर पावर 5 हो गया, b पे पावर 1 हो गया।
फिर अगले टर्म में ए पे पावर 4 एक घट गया और बी पर पावर स्क्वायर हो गया 2, फिर यहाँ पर 4 से घटकर 3 हो गया, बी बढ़कर 3 हो गया। ऐसे ही अगले टर्म में ए क्यूब है तो अगला स्क्वायर एक घट गया और ये बढ़ गया। तो ए पर पावर क्या हो रहा है कि घट रहा है और बी पर पावर यहाँ से बढ़ता हुआ, ये बढ़ता बढ़ता A6 पर जा रहा है। ठीक इसी तरीके से A5 वाला को देखिए, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, 2 है, 1 है और यहाँ A पर पावर 0 यानी 1 है। ऐसे ही A पर 4 है तो 3, 2, 1 और यहाँ पर A पर पावर 0। यहाँ भी A पर पावर 3 है तो यहाँ 2, 1 यहाँ पर 0। ऐसे यहाँ भी A पे पावर 2 है तो अगला पावर A पर कितना होगा, 1 होगा और अगला 0। ठीक है, ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ऐसे ही B पर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे यहाँ पर B पे पावर 0, B पे पावर 1, B पे पावर 2, यहाँ पर B पे पावर 0, B पे पावर 1, B पे पावर 2 और B पे पावर 3। यहाँ भी B पे पावर 0, B पे पावर 1, B पे पावर 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ भी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर हम a प्लस बी टू द पावर 7 लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। अब हम चाहते हैं a प्लस बी टू द पावर 7 लिखे। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम a पे पावर 7 और b पे पावर 0। ठीक है, फिर एक जगह छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर लिखते हैं a पे पावर घटा दिए 6, b पे पावर 1। फिर अगला टर्म क्या आएगा, a पे पावर 5, b पे पावर 2। फिर अगला टर्म क्या होगा, a पे पावर 4, b पे पावर 3। ऐसे ही a पे पावर 3 और b पे पावर 4। ऐसे ही करके फिर अगला टर्म आएगा a पे पावर 4, b पे पावर 5 और फिर अगला टर्म a पे पावर, सॉरी यहाँ घटेगा, यह 3 है तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से a पे पावर 2 है तो यहाँ पर a पे पावर 1 और b पे पावर 6 और ऐसे ही करते करते a पे पावर 0, b पे पावर 7। इस तरह से तो बहुत आसान है, a का पावर बढ़ रहा है, घट रहा है और b पे पावर बढ़ रहा है। ठीक है, अब बात है कि इसके आगे जो है, ठीक है, ये जो मल्टीपल है, ये वाला, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, यहाँ 4, 6, 4, 5, 10, 10, 5, 6, 15, 20, 15, 6, ये कैसे लिखें। तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, आप क्या कीजिए कि इसको मैं इस तरह से लिख ले रहा हूँ, a टू द पावर 7 प्लस b पे पावर 0 है तो इसका मतलब 1 हो गया, तो इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर a टू द पावर 6, b को b ही लिख ले रहे हैं, फिर a 5, b स्क्वायर प्लस a 4, b क्यू प्लस a क्यू, b 4 प्लस a स्क्वायर, b 5 प्लस a पे पावर 1 को a लिख लेते हैं, b 6 प्लस a पे पावर 0 है तो इसको 0 को, a पे पावर 0 1 हो गया, b 7। ठीक है, अब यहाँ इसके आगे जो प्रोडक्ट होगा इसको लिखने के लिए क्या करना है कि सबसे पहला जो होगा मल्टीपल वो सेव, जितना पावर होगा उतना ही होगा, तो यहाँ हम लोग 7 लिख लेते हैं। ठीक है, ये 7 हो गया। अब अगला टर्म को लिखने के लिए ये 7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, तो यहाँ जो आएगा वो आएगा, इसको लीजिए 7, ये मल्टीप्लाई बाय 6 एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पर जितना पावर है, ये जितना पावर है उसमें 1 प्लस करके ये नीचे भाग दीजिए, यहाँ पर 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 2 3 6 7 21, तो यहाँ पर अगला टर्म क्या आएगा, 21 आएगा। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कितना होगा, तो यहाँ पर लिखने के लिए 21 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 यानी 3, तो 3 सत्ते 21, 7 बचे 35, यहाँ 35 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखाएगा, तो 35 गुने चार बटे ये b पर जो पावर है उसमें एक ऐड हो जाएगा, या आप चाहें तो 1, 2, 3, 4 चौथा टर्म 4 से भाग दें, यानी तो b है, b पर पावर 3 है तो इसमें एक जोड़ दें तो 4, ये कट करके यहाँ 35 आएगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा आप करके बताइए। सबसे पहला टर्म यहाँ लिखने के लिए ये 35 गुने a पे पावर जितना है वो बटे b पर जितना पावर है उसमें 5 जोड़ दिए, तो 5 × 7 = 35, 7 × 21 है ना। यहाँ क्या आएगा, यहाँ लिखने के लिए पहले वाले टर्म को देखेंगे, 21 × 2 / 5 + 1 = 6। ठीक है, 2 × 3 = 6, 3 × 7 = 21 यानी यहाँ पर 7 होगा। इसी प्रकार से यहाँ क्या होगा, 7 × 1 / 7, 7 कट गया तो ये 1 को लिखते नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप चाहें तो कोई भी फार्मूला बना सकते हैं। उदाहरण के लिए आप a प्लस बी पर पावर 8 लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, a प्लस बी पर पावर 8, a प्लस बी टू द पावर 8, चलिए लिखते हैं क्या होगा, a पे पावर 8 और b पे पावर 0 यानी 1 प्लस, अब यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 होगा, और a पे पावर घट गया और b पे पावर 1 प्लस। अब यहाँ क्या लिखे, तो यहाँ लिखने के लिए 8 × 7 / b पर जितना पावर हो उसमें 1 जोड़ देना है तो 2, तो 2 × 4 = 8, 7 × 4 = 28, 28 a पे पावर 6 b स्क्वायर प्लस। फिर यहाँ जो लिखना है उसके लिए पहले वाले टर्म को देखेंगे, 28 × 6 + 2 + 1 = 3 हो गया 3, 3 × 6 = 28 × 2 कितना 5, 56 a टू द पावर 5 बी 1 यानी बी क्यू। ठीक है, b पर पावर बढ़ता जाएगा और a पर घटता जाएगा। फिर प्लस करते हैं, यहाँ 56 है तो 56 × 5 / 3 = 4। ठीक है, तो 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 16, 2 × 14 = 14, 5 = 70, 70 a पे पावर 4 b पे पावर 4। ठीक है, प्लस फिर क्या हो जाएगा, सेम तरीके से 70 × 4 / 5। ठीक है, तो 14 × 5 = 70 × 14 = 56। ठीक है, a पे पावर घट गया b पे पावर बढ़ गया, ऐसे ही। ठीक है, लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिए, बीच के टर्म के बाद ये जो है फिर वापस रिपीट होता है, तो यहाँ 56, 70 के बाद इधर 56 है तो 56 वाला हो गया, इसके बाद क्या आएगा 28, आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके निकालें, नहीं तो रिपीट कर देते हैं, 28 और a पे पावर घट गया b पे पावर बढ़ गया। ठीक है, 28 के बाद 8 है प्लस 8 a पे पावर घट गया 1 और b पे पावर 6 से हो जाएगा 7 प्लस, फिर यहाँ पर पावर नहीं है, अगर आप मल्टीप्लाई करके भी निकालें तो 8 × 1 / 7 + 1 = 8 कट जाएगा तो 1 ही होगा और यहाँ पर b पे पावर 8। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब पुराने इस फार्मूले पर देखते हैं जो हम लोग पहले किए थे, इसमें अगर यहाँ इवेन में हो यानी जोड़ा वाला अंक संख्या हो यानी 2 का पहाड़ा हो तो क्या करना है, ये वाला अंक एक बार रिपीट होगा, लेकिन अगर ये 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो तो ये क्या होगा, ये 3 जो है 2-2 बार रिपीट होगा, ये 4 है तो ये 6 एक बार आएगा, 5 है तो ये जो बीच वाला है ये 10 2 बार है, ऐसे ही 6 है तो ये जोड़ा में है, तो जो यहाँ अगर जोड़ा में है तो यहाँ अकेला होगा बीच का अंक, और अगर यहाँ पर
क्या है, जोड़ा में नहीं है, तो ये क्या होगा, यहां पर जोड़ा होगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अगर हम a माइनस बी वाला लिखें, a माइनस बी पे पावर कुछ भी, ठीक है, जैसे हम लोग लेते हैं a माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा, हम लोग माइनस अगर हो तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस लेते चले जाएंगे, प्लस होगा तो सारा प्लस होगा, माइनस होगा तो पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे करके, जैसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, पहला a स्क्वायर a पे पावर 2, ठीक है, पहला माइनस, उसके बाद ये अंक आ जाएगा 2ab, ठीक है, उसके बाद माइनस के बाद प्लस प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही a माइनस बी होल क्यू, a माइनस बी होल क्यू करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a पर q, b पर 0 है, लिखना नहीं है, 1 हो जाएगा वो, ठीक है, उसके बाद माइनस 3, ये और ये तीनों अंक बराबर होगा, यहाँ यहाँ और यहाँ तीनों एक तरह का होगा, जैसे ये और ये तीनों एक ही होगा, तो a माइनस बी होल क्यू बराबर ए क्यू माइनस 3, ए पे पावर घट गया तो ए स्क्वायर, बी पे पावर 1 हो गया, ठीक है, इसके बाद प्लस, माइनस के बाद प्लस प्लस 3, ए पे पावर घट के 1 हो गया और बी पे पावर बढ़ गया तो स्क्वायर, प्लस के बाद फिर माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसके बाद फिर 3 इंटू करके देखते हैं, 3 इंटू 1 बाय 3 तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ बी क्यू, ठीक है। इसी प्रकार से a माइनस बी होल 4 बराबर क्या होगा, a टू द पावर 4 माइनस 4 a पे पावर घट गया, b पे पावर बढ़ा, यानी 0 था तो यहाँ 1 हो गया, अब माइनस है यहाँ पर तो प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना आना चाहिए, तो 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 यानी 2, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय b पे पावर 1 है तो हम यहाँ 2 लेंगे, 2 × 4 × 3 × 6 तो 6 a पे पावर घट गया, b पे पावर बढ़ गया, प्लस ये चूंकि बीच का टर्म है और यहाँ पर जोड़ा में है तो ये अकेला होगा, इसके बाद ये पीछे वाला रिपीट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा, चूंकि माइनस प्लस माइनस इस तरह से चलेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 a पे पावर घट गया, b पर पावर क्यू, ठीक है, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद क्या हो जाएगा, b पे पावर 4 सीधा सीधा हो जाएगा, ठीक है। आप अपने मन से कोई भी ले लीजिए, ठीक है, जैसे कि हम अगला टर्म ले लेते हैं, कोई उठा लेते हैं, a प्लस बी पे पावर 7 लिखते हैं, या a माइनस बी टू द पावर 7, चलिए लिखना शुरू कीजिए, इसी तरीके से a पर पावर 7, b पे पावर अभी पैदा भी नहीं हुआ, 0 है, ठीक है, उसके बाद माइनस, यहाँ 7 यहाँ 7 तो यहाँ भी 7, a पे पावर घटा दिए तो 6 हो गया, और b पे पावर अभी 0 से बढ़ करके 1 हो गया, ठीक है, और ये माइनस है तो अगला क्या होगा, प्लस होगा, इस पैटर्न को समझिए आप, ठीक है, तो यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस के बाद 7 इंटू 6 डिवाइड बाय बी पे पावर 1 है तो 1 प्लस 1 यानी 2, 2 × 3 = 6, 7 × 3 = 21, तो 21, ठीक है, a पे पावर घटेगा तो 5 हो जाएगा और b पे पावर बढ़ करके 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ का जो टर्म आएगा उसको देखने के लिए क्या है, पहले वाला देखना होगा, पहला टर्म, इसके बारे में पहला टर्म बताएगा, जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, 21 × 5 + 3, 21 × 5 / b पे जितना पावर है उसमें 1 जोड़ करके कर देते हैं, 3 × 7 = 21, 7 × 5 यहाँ पर 35, और चूंकि यहाँ प्लस है तो ये प्लस नहीं होगा, ये होगा माइनस, माइनस 35, a पे पावर क्या हो जाएगा, 4 घट जाएगा, b पे पावर बढ़ेगा 3, ठीक है, और क्या है कि यहाँ माइनस हो गया तो अगला प्लस, प्लस के बाद क्या हो जाएगा, फिर से अगर देखना चाहें तो 35 × 4 / 4, ठीक है, तो ये हो गया 35, a पे पावर घटेगा 3 और b पे पावर 4। अब देखिए यहाँ पर चूंकि जोड़ा में अंक नहीं था,
ठीक है, तो यहाँ पर हम 35 और 35 दोनों जोड़ा में लिख रहे हैं, फिर प्लस लिखेंगे, 35 के बाद क्या हो जाएगा, ये रिपीट होगा, तो अगर आप यहाँ माइनस रिपीट होगा, 21 ए पे पावर घटेगा स्क्वायर और बी पे पावर 5, या नहीं तो आप इस दोनों को यहाँ से भी करेंगे तो 21 आ जाएगा। देखिए 35 गुने 3 बटे 5, तो 5 सत्ते 35, 7 या 21, तो 21 यहाँ से भी आ जाता है। और आप चाहे तो अगर यहाँ पर ऑड नंबर हो यानी जोड़ा में अंक नहीं हो तो यहाँ पर बीच वाला जो अंक होगा वो जोड़ा में लिखाएगा, यानी 35 एक बार है फिर अगला बार 35 होगा। और अगर यहाँ पर इवन नंबर हो यानी 2 का मल्टीपल हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो यहाँ पर अकेला रहेगा, ठीक है। और अगर आप चाहें तो कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो, तो 21 गुने 2 अगला क्या होगा, 21 गुने 2 बटे 6, 21 गुने 2 बटे 6, 2 3 6, 3 7 21, तो अगला 7 होगा। तो यहाँ माइनस है तो प्लस 7, ए पे पावर घट गया 1 हो गया, बी पे पावर 6 हो जाएगा, ये प्लस में है तो अगला माइनस, माइनस के बाद क्या हो जाएगा यहाँ भी देख लेते हैं, या तो आप डायरेक्ट यहाँ का मल्टीपल ले लीजिए, ठीक है, या नहीं तो 7 × 1 डिवाइडेड बाय 6+1 यानी 7 कट जाएगा तो 1, और ये हो जाएगा बी ए पे पावर 0 हो गया और बी पे पावर 7, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलजेब्रा के किसी भी फार्मूले को ए प्लस बी पर कितना भी पावर हो आप लिख सकते हैं, जैसे कि ए प्लस बी पे पावर एन हो तो इसको लिखना हो तो क्या करेंगे देखते हैं, तो यहाँ n है तो a पे पावर n, ठीक है, मान लेते हैं n कोई भी अंक 100 है, 200 है, 300 है, कुछ 1000 है, तो a पर प्लस b पे पावर n यहाँ हो गया, और ये चूंकि प्लस है तो प्लस ही होगा यहाँ n, इतना तो हम लोग जानते हैं, यहाँ यहाँ और यहाँ सेम होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि a पे पावर घट जाएगा, a पे पावर 1 घटेगा और b पे पावर अभी पैदा होगा यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जब लिखना हो, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे n, नहीं यहाँ क्या करेंगे n इंटू एन माइनस 1 और इस पर पावर जितना है, ठीक है, उतना से लोग डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 1 है तो इसमें डिवाइड 2 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाय 2 और a पे पावर और घट जाके 1 था तो 2 घट गया और बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस फिर से ऐसा करते हैं तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है, गुने n माइनस 2, ठीक है, और यहाँ जितना है उतना में 1 जोड़ करके यहाँ पर गुना हो जाएगा तो 3, यानी n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइड बाय 6 ए एन माइनस 3 बी 3, ठीक है। तो ए पे पावर घटता चला जाएगा और बी पे पावर बढ़ता चला जाएगा ऐसे करके हम लोग अंतिम तक पहुंच जाएंगे। तो ए प्लस बी पर कोई भी पावर हो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात हम लोगों ने देखा कि अगर यहाँ माइनस हो तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे करके हम लगातार करते चले जाएंगे, ठीक है। अब जरा देखते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो होता है, ठीक है, इसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जैसे कि एक स्क्वायर हो गया, ठीक है, इसका साइड ए है, ठीक है, ए ये स्क्वायर है इसका साइड ए है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर। अब इसको जरा ऐसा कंसीडर करें कि इसकी लंबाई में दोनों साइड बी बढ़ गया, ठीक है, भी बढ़ गया, तो इससे फिर क्या हुआ, एक नया स्क्वायर तैयार हुआ, जिस प्रकार से इसको भी जरा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये पोर्शन मिला है इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये चूंकि b है ये भी b हो गया और ये b है तो ये भी b हो गया, ये हो गया b स्क्वायर, इसका एरिया कितना हो गया, ये a है तो ये भी a और ये भी a, यानी ये a इंटू b
इसी तरह से ये ए है तो ये साइड भी ए हो गया और ये साइड भी ए हो गया, तो इसका एरिया कितना हो गया ए इंटू बी। तो टोटल एरिया कितना हो गया, टोटल एरिया हो गया ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये इक्वल टू कितना है, ये स्क्वायर प्लस ये दोनों ए बी प्लस ए बी यानी टू ए बी प्लस ये वाला बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। कैसे हो गया, ए प्लस बी और ए प्लस बी, तो बड़ा वाला जो हमारा स्क्वायर मिल रहा है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर। और ये बराबर है किसके, ये स्क्वायर के प्लस ये बी स्क्वायर के प्लस ए बी प्लस ए बी यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, टोटल एरिया के बराबर हो गया। ठीक है, क्या उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो आप कमेंट में लिख करके बताइए कि ए प्लस बी पे पावर 10 इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, और आप अलग अलग वैल्यू लेकर के प्रैक्टिस कीजिए, ए माइनस बी टू द पावर 11 लिख के बताइए क्या होगा, कमेंट में लिख करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए। धन्यवाद।